हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमपीआर वाले बच्चों जो ज़्यादा टेंशन में थे कि कब तक आने वाला है एमपीआर का, क्योंकि सब वही आपका रह गया था और सीआरएनआर तक आ चुके थे, तो आज आपका एमपीआर का भी एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। फटाफट से जाइए और साइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करिए। और अब आपके सारे रीजन्स के एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं, पूरे 9 रीजन्स आपके होते हैं। सीआरएनआर का आपका कल ही आ गया था और आज आपका एमपीआर रह गया था, वो भी आपका अब आ चुका है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या आपका नोटिस आया हुआ है। साइट में मैं लगा रही हूँ साइट पे, जैसे कि देखिए 30 सितंबर से वही 14 तक आयोजित होने वाली एमटीएस की के लिए एडमिट कार्ड की स्थिति डाउनलोड करें, ठीक है। वही एप्लीकेशन स्टेटस या अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आज 21 तारीख का आपका अपडेट है, इसको ओपन करेंगे। तो देखिए दो तरीके से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। एक तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू कर सकते हैं और अपना रोल नंबर चेक करने के लिए ये दे रखा है अपना, तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आई हैव नोटेड द अबव इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, कौन से दिन आपका एग्जाम है, आई मीन कौन सी डेट पर है, कौन सी सिटी में है और कौन सी शिफ्ट में है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर जो एडमिट कार्ड होता है वो कब डाउनलोड होते हैं, वो आपके 4 से 5 दिन पहले, जो आपकी डेट रहने वाली है उससे 4 से 5 दिन पहले आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अभी ये प्री एडमिट कार्ड बोल लो, एप्लीकेशन स्टेटस, इसमें बस आपको सिटी पता लगेगी और एग्जाम की डेट और आपकी शिफ्ट और एक्सेप्ट है फॉर्म या रिजेक्ट है, ठीक है। तो एमपीआर का भी आ गया, सभी रीजन्स के आपके आ चुके हैं, चिंता करने वाली अब बात कोई भी नहीं रह गई है। अब इस पर से थोड़ा सा ध्यान हटाकर बहुत कम दिन, 8-9 दिन आपके पास बचे हुए हैं, फटाफट से तैयारी करने में लग जाइए। अभी 30 तारीख को एग्जाम है, अब स्टेटस सभी के आ गए हैं, अपना जाकर चेक करिए। सभी रीजन्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डायरेक्ट जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ वीडियोज में, और फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है, आपको अगर कोई कॉल पर मुझसे बात करनी है, डायरेक्ट कोई डाउट और क्वेरी पूछनी है, तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्कैनर है, इस पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। पे करने के बाद आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात करनी है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो मैं ट्राई करूंगी पूरा कि आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। और मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, फूड लाइसेंस होता है, तो कोई भी वर्क आपका रहता है, हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी एमपीआर रीजन की, कि एमपीआर का सबसे लेट आया भाई इस बार, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि एनआर की जो आपकी डेट्स हैं, आपको पता है डेट्स कहाँ से कहाँ तक की हैं, 30 तारीख से शुरू होकर 14 नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम होने वाला है, और जो सारी डेट्स हैं अभी धीरे धीरे आपका 9 तारीख तक आया था, आज सुबह 23-25 तारीख तक आया था अक्टूबर तक, और अब आपका क्या आ चुका है, सारी ही डेट्स का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। चलिए एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो देखिए पूरा 30 तारीख से लेकर आपका 13-14 नवंबर लास्ट आपका दिखा रहा है यहाँ पर। तो अभी सुबह हम लोगों ने देखा था तो 23-22-23 तारीख तक आपके आए थे, अब सभी के आ गए, देखिए 28-29-30, फिर 4 और 5 का है, फिर 11 और 12 तारीख को एग्जाम है, और फिर 13 और 14 को। तो अब सभी बच्चे जिन भी डेट्स में इनका एग्जाम है, हर डेट को आप ओपन करके देखेंगे कि किस डेट में आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम जैसे कि 14 नवंबर को है, तो आप अगर 30 तारीख में देखेंगे तो आपको वही दिखाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में, कि रॉन्ग डिटेल्स शो होगा, इस तरीके से दिखाएगा। तो सभी डेट्स को आपको चेक करना है, और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो अब सभी डेट्स का आ चुका है, सभी बच्चे हर डेट में जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करिए कि किस दिन उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये एनआर रीजन की अपडेट हो गई। और भाई केकेआर वाले बच्चों की भी काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि केकेआर में क्या है कि स्टेटस में कुछ बच्चों का, देखिए मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, सभी का नहीं है, कुछ बच्चों के आपका ऐसे शो हो रहा है कि स्टेटस में क्या दिखा रहा है, एडमिटेड, ठीक है, एडमिटेड, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रही हूँ, एक कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा था, तो ये कैंडिडेट का नेम वगैरह लिखा है वो मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में एडमिटेड दिखा रहा है और कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ना सिटी, ना एग्जाम की डेट, ना कुछ प्रॉपर खुलकर जो आता है प्री एडमिट कार्ड टाइप का, तो वो कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एडमिटेड आ रहा है, ऐसा एक दो कैंडिडेट्स ने और भी लिखा है। कॉमेंट बॉक्स में भी देखिए काफ़ी मतलब 2-3 बच्चों का मैंने देखा कि केकेआर रीजन का सिटी डेट नहीं दिखा रहा है,
ओनली एडमिटेड दिखा रहा है। तो वही उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई एडमिटेड मतलब आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो चुका है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको सिटी और डेट प्रॉपर दिखने लग जाएगा, सिटी और डेट सब कुछ शो होने लग जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है एडमिटेड शो हो रहा है, तो ये भी गुड न्यूज़ है कि भाई आपका एडमिट हो गया है, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, कोई भी उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, बस सिटी और डेट का जो है वो भी बहुत जल्द आपका शो हो जाएगा। तो ये है, उसमें भी कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, सभी बच्चों का आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा है, कुछ का नहीं, तो हो सकता है आपका आगे एग्जाम हो, जिनका थोड़ा सा पहले है तो उनका प्रॉपर दिखा दिया गया हो, इस तरीके से आपका हो सकता है। जैसे कि एनआर रीजन में भी आप देख पा रहे हैं कि हर डेट पर नहीं दिखा रहा है बच्चों का, या अभी कुछ ही डेट्स का आया था तो आगे वाली डेट्स में रॉन्ग डिटेल्स दिखा रहा था, आज तो आपकी सारी डेट्स आ चुकी हैं 14 नवंबर तक, तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। बाकी जैसा कि मैंने बताया एडमिट कार्ड का, तो वही 3 से 4 दिन पहले आपका, 3 से 4 दिन पहले आप अपना प्रॉपर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी भाई एमटीएस के रिगार्डिंग आपकी एप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड की अपडेट, सभी रीजन्स के आ गए हैं, फटाफट से जाइए चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, प्रॉपर वेबसाइट की अलग अलग से भी लिंक मैंने लगा रखी है, और एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि भाई एमपीआर का भी आ चुका है और एनआर की सारी डेट्स का आपका आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।